राजू, गोपी, मेरे घर की दीवार पर किसी ने एक अजीब सी चित्रकारी बना दी है। हमने अभी ही दीवार पर सफेद रंग लगवाया था, अब हमारी दीवार बहुत बुरी लग रही है। जूली, पर तुम्हारी दीवार कोई क्यों खराब करेगा? हमारे सफेद दीवार का सत्यानाश कर दिया जी। राजू, बिल्कुल ऐसी ही चित्रकारी मेरे घर की दीवार पर भी थी। क्या लगता है चित्रकारी बनाने वाला आदमी एक ही है? हम अभी इसको ठीक करते हैं। करना बच्चों, अंदर आ जाओ और अपने आप को सुखा लो। हेलो खन्ना अंकल। माइटी, अब तक तो तुम्हें उस चित्रकार के बारे में पता चल ही गया होगा। सारे शहर में उसने लोगों को परेशान कर रखा है, अब उसे जल्दी पकड़ना होगा। उसे पकड़ने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। सारी चित्रकारी सफेद दीवारों पर की गई है, तो उस चित्रकार को पकड़ने के लिए हमें एक सफेद दीवार चाहिए। उसका इंतजाम मैं कर दूंगा और आज रात ही हम उसे पकड़ लेंगे। हम लोग चोर को पकड़ने के लिए जाता, तुम भी साथ चलो। आप लोग आगे चलिए, मैं मोबी और चीकी को आपके साथ भेज देता हूँ। मैं आप लोगों को बाद में मिलता हूँ। मुसीबत आ गई। अब तुम इस दीवार को पकड़ो, मैं तो चला। अरे, ये तो सिर्फ एक चित्र है, अब वो कहाँ चला गया? ये बात है तो देखो। रंगीन कर दिया, रंगीन। मैं प्रसाद लाल का चेला था, पर एक दिन उन्होंने मेरी चित्रकारी का पूरी क्लास के सामने मजाक बनाया, इसलिए मैंने उनका चेहरा सारी सफेद दीवारों पर रख दिया ताकि सब उन पर हंसे। कमिश्नर खन्ना, इस शरारती चित्रकार को रंगने का बड़ा शौक है, क्यों ना हम इसकी ख्वाहिश पूरी कर दें? तुमने जिस की भी दीवार खराब की है उन सबको फिर से सफेद करना होगा, यही तुम्हारी सजा है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो शरारती चित्रकार को पकड़ लिया। हमने नहीं, माइटी और चार्ली ने पकड़ा है इस शरारती बिरजू को। पापा, रुको रेनिटो, वाह देखो, रेनेटो, हे रेनेटो, अप्पू डेबी, बचाओ, अप्पू डेबी। रेनेटो Tito!
सर्फ को वापस विंगसी में बनाना है। तीन, दो, एक। ओब्रिगा तो माइटी राजू। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देना दा। डैड, क्या मैं माइटी राजू को अपने घर बुला सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, हम उसके लिए खास पार्टी भी रखेंगे। पार्टी? अरे मैं तो भूल ही गया, सॉरी, फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा, बाय। राजू, हमें उन कैंस को गिराकर गोल करना होगा। हो जाए तुम्हारा खास कर्व बॉल। हो जाए। ये सुपर कूल मियो अमिगो, एकदम चैंपियन वाला गोल। थैंक्स डैनियल। ओके दोस्तों, अंदर चलो, हम सब बस अभी आए। ओके। क्या बढ़िया खेलते हो तुम राजू, स्कूल टीम को काफी धक्का लगेगा तुम्हारे जाने से। ओह, मुझे भी यहाँ के दोस्तों और टीम से काफी लगाव हो गया है मारिया, पर क्या करें, डैड को वापस आर्य नगर बुला लिया गया है और हमें कल ही वापस जाना है। और इसीलिए मैं चाहता था कि तुम्हारे जाने से पहले हम सब मिलकर तुम्हें एक शानदार फेयरवेल पार्टी दें। पार्टी तो वाकई में बहुत शानदार है डैनियल। और तुम्हारा ये फार्म हाउस बहुत सुंदर है, ये इलाका भी बड़ा शांत है ना? हाँ, पापा ने जानबूझकर इसे शहर से दूर बनवाया। क्या यहाँ पास में कोई जंगल है? जंगल नहीं, एक वाइल्ड रिजर्व है, आओ मैं दिखाता हूँ। वाओ! पापा कहते हैं कि वहाँ कई खास जानवर हैं। डैड और वो भी आ गए। ओला स्वामी अंकल। ओला ओला। हेलो बच्चों, लगता है खूब मजे किए हैं तुम सबने आज की पार्टी में। हाँ डैड, मारिया ने तो खास केक भी ऑर्डर किया और हमने कई गेम्स खेले। अच्छा, क्या बात है। वैसे अच्छा हुआ कि तुम्हारा फार्म हाउस वाइल्ड लाइफ रिजर्व के उतने भी करीब नहीं। हाँ डैनियल, वरना जानवरों को पार्टी के शोरगुल से परेशानी होती। ओहो, आप जानते थे डैड इसके बारे में? बिल्कुल, मैं कई बार यहाँ रिसर्च के काम से आ चुका हूँ। इस रिजर्व में कई निराले जानवर और पंछी हैं। कुछ कुछ के तो ऐसे अनोखे हुनर हैं कि वो क्या था? ऐसा लगता है कि किसी जानवर की चीख थी। कैप्यूचिन बंदर की चीख। दरअसल वो अपने साथियों को होशियार कर रहा है कि आसपास कोई खतरा है। मगर रिजर्व में तो वो सुरक्षित है ना? हाँ, रिजर्व में चीते तो हैं नहीं, शायद सांप से डर कर चीखे होंगे। सांप? डैनियल, क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ हाँ मारिया, जाओ अंदर और डैड आप भी जाकर केक खाइए ना। केक? पर हाँ चलिए अंकल, मैं आपको मेरी ट्रॉफीज भी दिखाता हूँ। और मैं दिखाता हूँ कि कैप्यूचिन बंदर क्यों डर कर चीखा, क्योंकि खतरा अगर सच में है कहीं निपट लेगा झट उससे माइटी। आ जाओ मूवी। टिकटॉक, स्केटी का स्पीड बढ़ाओ। वो तो अब और जोर से चिल्ला रहे हैं।
मोबी को जोर से लगी। उप्स, सॉरी मोबी। ओह, ये तो सचमुच बहुत घबराए से लगते हैं। मगर किस बात से? Mighty Rajoo!
और तुम्हारा विषय है जू। अब आएगा मजा। जू में हर तरह के प्राणी रहते हैं, जैसे सांप, बंदर, और लगता है हमारे प्रिंसिपल को भी जू में रहना चाहिए। चिप्पी चौपी, ये क्या कर रही हो? हमारी हिस्ट्री टीचर इतना हिस्ट्री पढ़ाती हैं कि अगर वो जू में होती तो जरूर डायनासोर होती। हाँ? अब टीचर, ये चिप्पी चौप पेंसिल ने लिखा है। चिप्पी चौप? ओ अच्छा, तो इस पेंसिल में कोई जादू है? हाँ, नहीं, मुझे माफ कर दो टीचर, प्लीज। रुको, अभी जाकर प्रिंसिपल को दिखाती हूँ। चिप्पी चौप, ये तुमने क्या कर दिया? अब प्रिंसिपल मुझे नहीं छोड़ेगा। जूली, चार्ली एक ऑटोमेटिक स्मार्ट पेंसिल की वजह से फर्स्ट आ रहा था। मैंने चार्ली की पेंसिल बदल दी और उसमें ये जोक्स डलवा दिए। चिक्की, मैं अभी क्लास में हूँ, एक टेस्ट लिख रहा हूँ। एक जायंट रोबोट देखा गया है, टोल बूथ तोड़कर ब्रिज पर पहुँच गया है, शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मेरे पास कितना टाइम है? ज्यादा नहीं, वो 3-4 मिनट में ब्रिज पार कर लेगा और शहर में घुस जाएगा। ओ नो! राजू, यू सर नीचे छुपा कर क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हाँ, जूली से टेस्ट के आंसर पूछ रहे हो क्या? मिस, शायद छुप कर अपना टिफिन खा रहा हो। नो मिस, वो मुझे, एक्सक्यूज मी मिस, प्लीज मुझे बाथरूम जाना है। ये छुप छुप कर सुपर हीरो बनना भी कितना मुश्किल होता है। आ राजू, रुक। एक और मुसीबत। और ये शक्के चार्ली के लिए। राजू, तुम अंदर हो? अभी मुझे टाइम लगेगा। टिक टॉक, पिंग्स मोड। कुछ टूटने की आवाज थी। चिकी, अंदर कुछ टूटा क्या? चलो चलो, चलकर देखते हैं। राजू, मैंने ग्लास तोड़कर तुम्हारे मम्मी पापा को टेरेस से अंदर बुला लिया है, रास्ता क्लियर है। काफी देर हो गई, ये राजू अंदर है भी या नहीं? राजू, अभी मुझे टाइम लगेगा। वो रहा। Thank you.
गया माइटी। इस बार ना तू बचेगा ना अपने आर्य नगर को बचा पाएगा। मेरा ये हाईटेक रोबोट तुझे ऐसे कुचल मसल देगा जैसे मैंने इस इरिटेटिंग मकोड़े को। इस रोबोट के कंट्रोल्स समझ नहीं आ रहे, इसे रोकूं कैसे? आइडिया। क्या? सोचो, वो एक क्या चीज है जो रोबोट्स कभी नहीं करते, हमारा चीकी भी कभी नहीं करता। कभी नहाता नहीं है, पर मुझे जबरदस्ती नहाना पड़ता। हाँ, चलो तो इस रोबोट को मजा चखाते हैं, इसे नहला देते हैं। मोबी, कंट्रोल संभालो। साबुन देना तो भूल ही गए। कुछ तो गड़बड़ है, ये राजू को अंदर गए कितना टाइम हो गया? पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। बच्चे निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। कोई फ्लेवर भूला तो नहीं ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा फ्लेवर्स तो मेरे पास है ही नहीं। कैसे हो बच्चों? हेलो कमल,
खन्ना। तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना चॉकलेट सॉस के साथ। अरे कहीं आइसक्रीम को गिर ना जाए। फिलहाल तो तुम ये आइसक्रीम के पहाड़ को संभालो। ये तो कुछ भी नहीं, असली मजा तो इनमें है। डैडी नया कोला लॉन्च करने वाले हैं और मैं आज तुम सबको फ्री कोला दूंगा। ये लो। कोला सेहत के लिए अच्छा नहीं है चार्ली, भले ही वो मुफ्त का क्यों ना हो। कोला मतलब कूल, तुम नहीं समझोगे। हटो। अभी दिखाता हूँ तुम्हें कूल क्या होता है। ये कूल नहीं खेल है। कूल मतलब स्टाइल, और वो स्टाइल कोला से ही आता है। देखो यहाँ क्यों आ रहे हो। इतना टेंशन मत लो, बी कूल। बस एक और कूल चीज दिखाने आया हूँ। हीरो खान के हाथों से ऑटोग्राफ किया गया पोस्टर, और जानते हो सुपरस्टार अरमान क्या कहता है। जी भर के पियो कोला। बहुत अच्छा है, यहाँ ना तो गाड़ियाँ हैं ना कोई शोर। लगता है मूवी को भी बड़ा मजा आ रहा है। दोस्तों तैयार हो जाओ, आगे रास्ते पर ढलान है। मूवी तुम भी सतर्क हो जाओ। बहुत चोरियां हो गई है, लगता है यहाँ कुछ हुआ है। कमिश्नर खन्ना भी है यहाँ, आओ देखिए। अरे इसने मेरे चॉकलेट मिल्क शेक में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की टॉपिंग लगा दी। ओहो, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का स्कूप तो मैंने मांगा था। ओहो, इन्होंने हमारे आइसक्रीम स्कूप्स को मिक्सअप कर दिया है। एक काम करते हैं, हम हमारे आइसक्रीम स्कूप्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। अब देखना मैंने कैसे डराता हूँ। क्या हुआ बॉस? वो मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, पर अच्छा हुआ छींक नहीं आई, वरना ये तीनों चौकन्ने हो जाते और मेरा डराने का प्लान चौपट हो जाता। यहाँ पर च्युइंगम किसने फेंका? मेरा जूता इसमें चिपक गया है। ये कौन है जो भूत का मास्क पहनकर जोकर की तरह नाच रहा है? एक नाचता हुआ भूत। वाह चार्ली, तुमने तो हमारी आइसक्रीम के स्कूप्स भी सही मिल्कशेक ग्लासेस में डाल दिए। वैसे तुम्हारा डांस बड़ा ही फनी था चार्ली। हाँ,
तो कहा था आपने डराओगे, पर आप तो आज जोकर की तरह नाच कर आ गए। चुप हो जाओ, जाओ और जाकर मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेकर आओ। पर आपको तो सर्दी है बॉस। आज मुझे इस कोला पर टेस्ट करना है। मूवी, मेरा शक सही निकला। इस कोला में मिलावट है। इसमें ऐसी चीज है जिसकी वजह से सबको इसकी आदत लग जाती है। फिर तो सबको खबर देने होंगे। हाँ। तुमने मेरा सीक्रेट केमिकल मिक्स कर दिया। हाँ बॉस, पर इससे हमको क्या फायदा है? इस सीक्रेट केमिकल की वजह से कल जब सबको कोला की लत लग जाएगी, मालिक को हमारे पास ही आना पड़ेगा फॉर्मूला के लिए। हम बहुत अमीर होने वाले हैं। सच में मिलावटी था और माइटी राजू ने बचा लिया। दोस्तों, कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और पानी वाला गैंग? अब पानी वाला गैंग कूल, कोला गैंग बूम।